इधर गिर जाएंगी, छोड़ कर जाएंगे आपको, छोड़ कर जाएंगे। नशे में धुत लोगों की वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो किसी आम नागरिक की नहीं बल्कि है उत्तर प्रदेश महिला अधिकारी की। बहराइच में एक महिला का नशे में हंगामा करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि शराब के नशे में हंगामा करने वाली महिला अफसर है, जिसकी वर्तमान में तैनाती गोंडा जिले में है। पुलिस ने महिला अधिकारी का मेडिकल करा कर उनके पति को उसे सौंप दिया। बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में गोंडा जिले में तैनात महिला अफसर का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो बीते 27 अप्रैल का है। उस दिन महिला अफसर लखनऊ से अपनी कार से गोंडा के लिए आ रही थी। दावा किया जा रहा है कि उस समय वो काफी नशे में थी। नशे में होने के कारण वो गोंडा की ओर जाने के बजाय बहराइच की ओर चली गई और आगे चलकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना की सूचना मिलने पर जरवल रोड पुलिस मौके पर पहुंची। वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि जब महिला पुलिस कर्मी उन्हें गाड़ी न चलाने की बात कह रही थी तो वो अपने पद का रौब झाड़ रही थी। लगभग घंटों तक बहस चलती रही। वायरल वीडियो में एक महिला सिपाही नशे में धुत महिला अधिकारी को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन महिला अधिकारी बार बार निकल रही है और ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश करती है। वीडियो में महिला अपने आप को मंडल स्तर का अधिकारी बता रही है और कमिश्नर से बात करने का भी रौब झाड़ रही है। मंडल पुलिस का अधिकारी है, जिला स्तरीय। आइए आइए, आप बैठो, आप बैठो। मैं कमिश्नर जी से भी फोन कर रही हूं। मैं आपको बताऊंगी कि आप कमिश्नर के पास जाओगे, ये ऐसी थी वैसे थी, अरे गिरी से मुझे ऐसा हो गया। आप गाड़ी में बैठे बात करो, गाड़ी नहीं नहीं, अरे गिर जाओगे आप गाड़ी में तो बैठो। बढ़ती बहस को देखते हुए पुलिस ने महिला अधिकारी के पति को सूचना दी। वही नशे में धुत महिला अधिकारी का डॉक्टरी परीक्षण कराकर उनके पति को उन्हें सौंप दिया गया। फिलहाल महिला अधिकारी का ये वीडियो काफी चर्चा का विषय और बना हुआ है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों से लेकर अधिकारियों पर भी नकेल कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। फिलहाल इस महिला अधिकारी को क्या सजा मिलती है ये तो आने वाले वक्त पर ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर वीडियो पर आपकी राय क्या है?